फ्रेंड्स, आपने हर किसी यूट्यूब की वीडियो में देखा होगा कि बिटकॉइन को इसने बनाया, बिटकॉइन को इस बंदे ने बनाया, बिटकॉइन को ये कंट्रोल कर रहा है, बिटकॉइन का प्राइस ज़्यादा सेलर्स होए तो ऊपर जाता है, ज़्यादा बायर्स होए तो नीचे आता है। क्या दोस्तों, अभी आपने सोचा है कि अगर कोई बंदा बिटकॉइन को सेल कर रहा है तो वहाँ पर कोई ना कोई बंदा बिटकॉइन को बाय कर रहा है, तभी बंदा सेल कर पा रहा है, और अगर कोई बाय कर रहा है तो वो बंदा कोई बंदा सेल कर रहा है तभी वो बाय कर पा रहा है, क्या आपने कभी सोचा है? तो फिर ये बिटकॉइन एक जगह स्टेबल कर रहता है प्राइस, क्योंकि कोई बाय कर रहा है तो वही कोई जना सेल कर रहा है, और एक बायर 1 लाख बिटकॉइन के शेयर कर रहा है, मतलब एक बंदा 1 लाख के बिटकॉइन वो बेच रहा है, अपने सेल कर रहा है। तो वहाँ पर अगर कोई बंदा 1 लाख के बिटकॉइन खरीद रहा है तो दोनों की आपस में ट्रेडिंग हो जाएगी, दोनों की आपस में डील हो जाएगी अपने किसी वॉलेट के थ्रू, जैसे पोलोनिक्स या बिटरेक्स के थ्रू। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ये अगर कोई बंदा बाय कर रहा है तो कोई बंदा सेल कर रहा है तो आखिर ये बिटकॉइन का प्राइस अप और डाउन क्यों जाता है? दोस्तों, मैं आज आपको क्लियर समझा रहा हूँ इस वीडियो में, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, मान लीजिए, तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए पूरी मार्केट के अंदर 25 बिटकॉइन सेल करने चाह रहे हैं पूरे मार्केटर्स के, जितने भी बायर्स हैं पड़े बिटकॉइन के, इस टाइम पर जो सेल करना चाहते हैं वो 25 बिटकॉइन सेल करना चाहते हैं, सारे बिटकॉइंस को मिला के, जितने लोगों जो जो लोग सेल करना चाहते हैं उनके, ऐसे किसी ने 1000 रुपीज़ के बिटकॉइन सेल करने हैं, किसी ने 10,000 के सेल करने हैं, दोस्तों सभी के मिला के अगर हम एक एक्सपोज कर रहे हैं कि 25 बिटकॉइन सेल करना चाह रहे हैं, और वहीं बायर्स सारे बायर्स को मिला के 20 बिटकॉइन बायर्स बाई करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस टाइम पर बिटकॉइन का प्राइस डाउन जाएगा, क्योंकि इस टाइम पर सेलर्स ज़्यादा हैं और बायर्स कम हैं। पर इसी जगह पर बायर्स 25 बिटकॉइन बाय करना चाहते और सेलर 20 बिटकॉइन सेल करना चाहते, तो इस टाइम पर बिटकॉइन की प्राइस अप जाती, क्योंकि दोस्तों इस टाइम पर बायर्स मार्केट में ज़्यादा हैं और सेलर्स कम हैं, इसलिए बिटकॉइन की डिमांड ज़्यादा होती, तभी लिए बिटकॉइन का प्राइस अप जाता। दोस्तों, बिटकॉइन सारा डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर करता है, अगर सेलर्स ने ज़्यादा बिटकॉइन की ट्रेड बिड लगाई है तो दोस्तों बिटकॉइन प्राइस डाउन जाएगा, और कि बायर्स ने बिटकॉइन ज़्यादा बाय करने के लिए ट्रेड लाई है तो दोस्तों उस टाइम बिटकॉइन का प्राइस हाई जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये सारी वीडियो पसंद आ गई हो, आपको समझ आ गया हो कि बिटकॉइन का प्राइस कैसे अप और डाउन होता है। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल डाइनस टेक टीवी को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स।